राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई है, हालांकि यह साजिश फेल हो गई। अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन सीमेंट के ब्लॉक से टकरा कर रह गई। सीमेंट ब्लॉक से टकराने के बाद वंदे भारत ट्रेन काफी देर तक रुकी है, हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। राज्यसभा सांसद और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की, यह घटना शुक्रवार की है, जब पाली जिले के अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया, जो अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रेन से टकरा गया। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। पटरी पर रखा सीमेंट ब्लॉक वंदे भारत ट्रेन से कैटल गार्ड से टकराया। इसके बाद ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। सुमेरपुर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात सुमेरपुर थाने के जवाई और बिरोलिया के बीच हुई। इस घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि फुटपाथ बनाने में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट के ब्लॉक के टुकड़े ट्रैक पर मिले हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इस घटना के कारण ट्रेन 8 मिनट तक रुकी रही, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पटरी की जांच और उसे साफ करने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। राज्यसभा सांसद व राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मदन राठौड़ ने जोधपुर और अजमेर रेल मंडल के आला अधिकारियों से फोन पर बात कर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जांच करने की मांग की और रेलवे पटरियों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया।